जहाँ पर आपकी राय लेनी है, लाइफ हाई पर जो आज ट्रेड कर रहा है टाटा मोटर्स, जरा इस पर फ्रेश व्यू दें सर, 950 के ऊपर। वैसे तो खैर लगातार लाइफ हाई बनाए रहा है पिछले 1 सवा 1.5 साल से, बट आज भी अच्छे मोमेंटम में टाटा मोटर्स, जरा इसके बारे में राय दें सर। दीपांशु गुड आफ्टरनून। जो हिसाब से टाटा मोटर्स में एक मूव आ रहा है, हम देख रहे हैं, इनफैक्ट तो सिर्फ टाटा मोटर्स में नहीं, आप देखिए M&M में भी आ रहा है और दूसरे कुछ चुनिंदा लार्ज कैप्स में भी आ रहा है। तो जो आज एक ट्रेंड है कि मिड कैप्स से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हम देख रहे हैं, और लेकिन इक्वली लार्ज कैप्स में उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है एक एक करके जो ये स्टॉक्स नहीं चले थे पिछले 1-1.5 महीने से, इनफैक्ट टाटा मोटर्स को यदि हम देखें तो स्टॉक में एक अच्छी चाल दिसंबर से लेके जैन एंड तक हमने देखी थी, बट पूरा फरवरी महीना स्टॉक 910 और 940 के रेंज के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। और आज हमने देखा है कि ऊपर के लेवल से ब्रेकआउट आया है, एंड ब्रेकआउट इज बैक्ड विद वॉल्यूम्स। यहाँ पे वॉल्यूम्स भी है और साथ में ओपन इंटरेस्ट का भी इजाफा लॉन्ग साइड पे हुआ है। और एक दूसरी चीज है कि ये पूरी जो रैली स्टार्ट हुई है टाटा मोटर्स में, समझिए 22 दिसंबर से 700 के भाव से स्टॉक ने अपना 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कभी तोड़ा नहीं है। तो एंड 10 दिन के भी एवरेज को बार बार छू के हर बार फिर से स्टॉक एक अप ट्रेंड में आ जाता था। तो जब तक मुझे लग रहा है ये लेवल 935 का है, जब ये 935 तक का लेवल जब तक ये टूटता नहीं है, तब तक मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स में एक नया हाई हम देख पाएंगे, और वेरी सुन ये 4-फिगर स्टॉक हो जाएगा 1,000 के ऊपर। तो इसे खरीदना चाहिए ये लेवल पे भी और डिप्स पे भी। 935 का स्टॉप लॉस, 1,000 का पहला टारगेट, और 1,000 के ऊपर यदि सस्टेन करता है तो यहां से 1,030 भी जा सकता है। ओके, 1,000 के लेवल्स क्रॉस करने को तैयार है, 1,030 के लेवल्स के लिए टाटा मोटर्स पर रखनी है नजर।